वो जो श्री है और, इसी के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिल्म के प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली जी हेलो सर वेलकम टू तो इंडिया टीवी so के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी की इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या रही तो uh, एक्चुअली हम लोग जब डिसाइड करते हैं कोई फिल्म बनाना तो कुछ टिक बॉक्सेस होते हैं सो एज अ प्रोड्यूसर हमारे लिए था कि वी वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म ऑन अ हीरो जो जो इंस्पायर करे यूथ को तो एक छोटे सी गांव से एक वो लड़का जो जिसको कभी सपने में भी नहीं लग रहा होगा कि वो इस मकाम तक पहुंच सकता है एंड ही बिकम्स द पर्सन ऑफ इंडिया विच इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो वो कहानी है सो उनके बचपन से लेके उनके तीन टर्म बिकमिंग जर्नी दट वॉज नॉट ईजी फॉर दैट बॉय टू बिकम अटल बिहारी वाजपेयी तो इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाने के लिए आपको क्यों लगा कि पंकज त्रिपाठी ही सही रहेंगे तो जैसे जैसे फिल्म बनाने के लिए आपको एक्टर तो पहले ही चाहिए एंड कितनी बार ये होती है कॉलिंग होती है कहानी से सो so, एक कहानी की कॉलिंग होती है कि अगर ये फिल्म बनानी है तो आप किसको देख के लिखेंगे या किसको आप सोचेंगे बिकॉज तब तक हमारे पास में डायरेक्टर भी नहीं था हमने एज अ स्टूडियो सोचा कि हमको फिल्म बनानी है एंड द ओनली नेम विच केम वॉज पंकज भाई पंकज त्रिपाठी जी और और जब हम मिलने भी गए तो उनको बोला पंकज भाई अगर आप मना करोगे इस पिक्चर के लिए तो मैं ये बनाऊंगा नहीं बिकॉज़ ये पिक्चर अच्छी नहीं बनेगी बनानी है मुझे लेकिन अगर आप हाँ बोलेंगे तो ही बनेगी अदरवाइज़ ये फिल्म नहीं बन पाएगी यार इतना तो बहुत ज़्यादा मेरे पे यू नो भरोसा या वेट पूरा कर रहा है सर बट हम लोग का ये है कि वी विल नॉट टेक द स्क्रिप्ट मतलब स्टोरी आइडिया टू एनीम एल्स सिर्फ आप हो तो हम बना सकते पिक्चर और हम कोई बना नहीं पिक्चर एंड uh, uh, थोड़ा टाइम लिया उन्होंने और एक शर्त रखी खाली कि जब तक स्क्रिप्ट पूरी रेडी नहीं हो जाएगी तो अनाउंस नहीं करेगा बट और मुझे अगर वो पसंद नहीं आई तो

बहुत वेरियस एज ग्रुप्स एंड वहाँ से आते हैं लोग तो आ, उनका उन, उनका जो रिएक्शन देखा है रियली एट पीस के नहीं नहीं ये पिक्चर सबको पसंद आएगी मतलब जो फिल्म बनी है और जिस तरीके से पंकज भाई ने पंकज जी ने ये रोल निभाया है आई थिंक लोग बहुत पसंद करेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपको क्या लगता है कितना पैसा कमा लेगी ये फिल्म भाई आखिरकार फिल्म पे पैसा लगता है तो ऑबियसली बात है प्रोड्यूसर का दिल ये भी सोचता होगा कि कितना पैसा कमा लेगी तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन है क्या आंकड़ा एक फिगर अगर आप दें तो देखिए पैसा तो कमाना बहुत जरूरी है उसका रीजन होता है जब आप फिल्म बनाते हो तो अगर उसने पैसा नहीं कमाया तो फ्लॉप मानी जाती है और मेरे हिसाब से भारत में बहुत लोग हैं जो अटल जी को प्यार करते हैं और बहुत लोग हैं जो पंकज भाई को प्यार करते हैं तो लॉस तो नहीं होने देंगे uh, but... तो सर हमने आपकी फिल्में देखी है मैं अटल हूं जैसे आ रही और वैसे ही जनहित में जा रही जो एक अलग तरह की फिल्म थी तो ऐसी फिल्मों में जब आप इन्वेस्ट करते हैं क्या वो क्या होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर जो आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि हाँ इस फिल्म पे मुझे काम करना चाहिए इन्वेस्ट करना चाहिए uh, देखिए uh, दो चीजें होती हैं कि पैसा अगर लगेगा तो वो वापस भी आना चाहिए और सिर्फ पैसे के पैसे के लिए फिल्म होने फिल्म नहीं बननी चाहिए आ, उस उसमें कुछ ना कुछ तो मकसद होना चाहिए सो एज़ अ स्टूडियो हमने ये डेफिनेटली uh, सोचा है कि द फिल्म एंटरटेनिंग फिल्म भी होनी चाहिए बट आइडियली uh, ये मैसेज uh, एंटरटेनिंग में भी एक मैसेज होना चाहिए सोशल अवेयरनेस की चीज़ें कुछ होनी चाहिए जैसे अ सोशल अवेयरनेस फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी वो काफ़ी है जो था वो हमने uh, उस बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था जो कि जिस जिस जिसकी हिम्मत थी कि उसके पेरेंट्स को उसने बताया कि मेरे साथ में ऐसा प्रताड़ित हुई हूँ मैं या मेरे साथ में ऐसी दुर्घटना हुई है एंड उन पेरेंट्स को जिन्होंने जाके ये परवाह नहीं किया कि समाज क्या कहेगा जो भी और जाके फाइट किया और अटल जी की फिल्म बिकॉज कौन हैं हम हमको को लगता है।, है कि इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत होती है आज अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो वी विल हैव टू फॉलो या यू नो get inspired by by the leaders, by the leaders people who have actually upgraded our lives. जी, से. तो उन्नीस तारीख को यह फिल्म रिलीज होने वाली और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी की ऑल द बेस्ट यू सर आई होप कि फिल्म बहुत अच्छा करे. थैंक यू फॉर कमिंग टू इंडिया